अब आपको गुर्दे में और पित्त में पथरी यानी किडनी स्टोन या गैल ब्लैडर स्टोन होने पर नहीं है घबराने की जरूरत। शहर हैदराबाद में सालों से इस इलाज के लिए खानदानी सिलसिले से चला आ रहा है भरोसेमंद नाम RS यूनानी फार्मेसी। सच न्यूज़ के खबरनामे में आप सबका इस्तकबाल है। आज की सबसे बड़ी खबर आ रही है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयान को लेकर। उन्होंने कहा है कि मैं 26/11 का हमला कभी नहीं भूल पाऊंगा। उन्होंने मुंबई हमलों के पीड़ितों को श्रद्धांजलि भी दी। बता दें कि मुंबई हमलों की आज 15वीं बरसी है के दौरान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भी हमलों को पीड़ितों को श्रद्धांजलि दी और देश के लोगों ने आतंकवाद से लड़ने की प्रतिज्ञा के बाद फिर से अपनी अपील की। मोदी जी ने आज अपने मन की बात प्रोग्राम में 2008 के मुंबई आतंकवादी हमलों को ट्रिब्यूट दिया है। ये पीड़ितों को याद किया जाएगा। उन्होंने इसे भारत का सबसे ज्यादा बड़ा आतंकवाद हमला बताया है। अपने संबोधन के दौरान पीएम मोदी ने कहा कि हम 26 नवंबर को कभी नहीं भूल सकते। इस दिन देश में सबसे ज्यादा बड़ा आतंकवादी हमला हुआ था। आतंकियों ने मुंबई और पूरे देश को हिलाकर रख दिया था। ये हिंदुस्तान की क्षमता है कि हम उस हमले से पूरी तरह से उभरा है और पूरी हिम्मत के साथ आतंकवाद को कुचल रहे हैं। बता दें कि साल 2008 में 26 नवंबर के दिन भारी हथियारों से लैस 10 पाकिस्तानी आतंकवादियों ने मुंबई में सिलसिले वार हमले को अंजाम दिया था। इस हमले में आम लोगों को और सुरक्षा कर्मियों दोनों को ही निशाना बनाया गया था। इस हमले में काफी भारी तबाही नुकसान हुआ था। इन आतंकी हमलों से पूरी मुंबई हिल गई थी। AK-47 राइफल और ग्रेनेड से लैस आतंकियों ने शिवाजी टर्मिनल, रेलवे स्टेशन, ताजमहल पैलेस होटल, ओबेरॉय ट्रायंगल होटल और नरीमन हाउस यहूदी समुदाय केंद्र समेत शहर भर में कई जगहों पर एक ही बाद एक हमले किए थे। वहीं अगर दूसरी बड़ी खबर की बात करें तो वो तेलंगाना से आ रही है, जहां पर सीएम केसीआर ने खड़े किए कांग्रेस पर सवाल। तो राहुल गांधी ने कहा है कि जब आप पढ़े हैं, जहां से आप पढ़े हैं वो स्कूल हमने बनवाया है। तेलंगाना में चुनाव प्रचार दौरान कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने सीएम केसीआर को जवाब दिया। उन्होंने कहा कि संसद में केसीआर पीएम नरेंद्र मोदी की मदद करते हैं। केसीआर ने एक रैली में सवाल किया था कि आखिर कांग्रेस ने तेलंगाना में क्या किया है। तो राहुल गांधी ने जवाब में कहा कि जहां आप पढ़े हैं वो स्कूल हमने बनवाया है। इसके जवाब देते हुए राहुल गांधी ने केसीआर को निशाना भी साधा। उन्होंने कहा कि मैं उन्हें बताता हूं कि कांग्रेस ने क्या किया। जिन सड़कों पर केसीआर चलते हैं वो कांग्रेस ने बनाया है, या जिस स्कूल या यूनिवर्सिटी में वो पढ़े हैं वो कांग्रेस ने बनाया। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने आगे कहा कि जो पीएम मोदी कहते हैं वही केसीआर भी कहते हैं। संसद में केसीआर पीएम मोदी की मदद करते हैं और केसीआर पीएम के साथ नहीं है तो इनके खिलाफ केस क्यों नहीं होता। राहुल गांधी ने आगे ये भी कहा कि मैं पीएम नरेंद्र मोदी के खिलाफ लड़ता हूं। मेरे खिलाफ 24 केस हैं। 5 दिन के लिए ईडी ने मुझे 55 घंटे सवाल किए। मेरी लोकसभा की सदस्यता को रद्द कर दिया गया। मेरा घर छीन लिया गया। मैंने उनसे कहा कि मेरा घर ले जाओ, मुझे नहीं चाहिए। मेरा घर हिंदुस्तान के करोड़ों गरीबों के दिल में है। वहीं बात अगर अगली बड़ी खबर की करें तो वो चंडीगढ़ से आ रही है, जहां पर फार्मर स्ट्राइक शुरू हो गई है। चंडीगढ़ में किसानों ने डेरा डाल लिया है। MSP सहित कई मांगों को लेकर शुरू हो चुका है धरना। MSP पर गारंटी सहित अन्य मांगों को लेकर किसान मोर्चा के आधार पर किसान ने चंडीगढ़ पहुंचना शुरू कर दिया है। पुलिस ने सुरक्षा बल तैनात कर दी है। मद्देनजर रखते हुए मौके पर भारी मात्रा में पुलिस बल तैनात करने के साथ साथ सिक्योरिटी भी बढ़ा दी गई है। बताया जा रहा है कि किसानों ने अपना प्रोटेस्ट की शुरुआत ट्रैक्टर ट्रॉलियों पर चढ़कर करी है। कई मांगों को लेकर चंडीगढ़ में किसान प्रदर्शन शुरू हो चुका है। इतने में यूनाइटेड किसान मोर्चा के नाम से राज्य भर में किसान चंडीगढ़ पहुंचना शुरू हो चुके हैं। किसानों के धरने की वजह से आम लोगों की परेशानियों को सामना करना पड़ रहा है। इसे लेकर चंडीगढ़ पुलिस ने नया रूट प्लान भी जारी करा है। किसानों के साथ आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, C2 वर्कर और घरना स्थल भी पहुंच चुके हैं और इनकी तादाद अभी 300 के आसपास बताई जा रही है। वहीं बात अगर हम महाराष्ट्र की करें तो महाराष्ट्र सरकार के मंत्री धर्मराव बाबा आतराम को नकसलियों ने धमकी दी है। गृह मंत्री से सुरक्षा की गुहार भी उन्होंने लगाई है। महाराष्ट्र में नक्सलियों के हौसले लगातार बुलंद होते जा रहे हैं। हाल ही में नक्सलियों ने महाराष्ट्र सरकार के मंत्री धर्मराव बाबा आत्माराम को धमकी दे दी है। उन्होंने अपनी सुरक्षा की गुहार लगाई है और उनका कहना है कि उनकी सुरक्षा करना सरकार की जिम्मेदारी है। महाराष्ट्र सरकार के मंत्री धर्म बाबा को खुलेआम धमकी मिली है। डायरेक्टली तो नहीं, लेकिन इनडायरेक्टली तरीके से मुझे खबर मिली है कि मुझे धमकी दी जा रही है, ऐसा बयान आ रहा है उन मंत्री का। आगे उन्होंने ये भी कहा कि जो लोग मारे गए हैं वो अभी हमारे लोग नहीं हैं। उन्होंने ये भी कहा, लेकिन पुलिस पाटिल मेरा आदमी था, गावड़े भी हमारा आदमी था और आत्माराम भी मेरा आदमी था। सबको एक एक करके मारा जा रहा है। आगे उन्होंने ये भी कहा कि गृह विभाग को भी इस बात का ध्यान देना चाहिए कि योग्य लोगों को सुरक्षा देनी चाहिए। उन्होंने ये भी कहा आगे कि मुझे सुरक्षित रखना सरकार की जिम्मेदारी है। वही नक्सलियों द्वारा धमकी दिए जाने पर उन्होंने कहा कि धमकी देना उनका काम है, मेरा काम विकास करना है और मैं विकास कर रहा हूँ। लोगों ने मुझे विकास करने के लिए चुना है। मैंने आज तक किसी का नुकसान नहीं किया। आगे उन्होंने ये भी कहा कि यहाँ खदान लगने से 4,000-5,000 लोगों की रोटी रोटी चल गई है। इसी वजह से यहाँ करीब 10,000 लोगों को रोजगार मिला है। आसपास जो होटल खुले हैं उनको भी काम मिला है। इसके साथ ही पूरे एरिया का डेवलपमेंट हुआ है। उन्होंने आगे ये भी कहा कि यहाँ हॉस्पिटल बने हैं, इंग्लिश मीडियम स्कूल बन रहे हैं। आप देखेंगे कि अगले 5-10 सालों के बाद कुछ और ही तस्वीर होगी। बाकी की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए सच न्यूज़।
अब आपको गुर्दे में और पित्ते में पथरी यानी किडनी स्टोन या गैल ब्लैडर स्टोन होने पर नहीं है घबराने की जरूरत। शहर हैदराबाद में सालों से इस इलाज के लिए खानदानी सिलसिले से चला आ रहा है भरोसेमंद नाम RS यूनानी फार्मेसी, जहां पर खास तौर पर पित्ते में मौजूद पथरी और दोबारा पथरी ना होने का किया जाता है मुकम्मल इलाज। आपको इस दर्द से हमेशा के लिए मिल जाएगा छुटकारा। नो साइड इफेक्ट्स, नो ऑपरेशन, तशखीश करते हुए दवाई की जाती है फराहम। तो देर ना करें, जल्द ही तशरीफ लाएं RS यूनानी फार्मेसी, बहादुरपुरा एक्स रोड अपोजिट केनारा बैंक, हैदराबाद। मजीद तफसीलात के लिए रब्त करें 9390610436 पर।